मैं आरू अग्रवाल बीबीएफ टीम से। हम यहाँ पे लास्ट टाइम आए थे होमलेस पीपल को फूड डिस्ट्रीब्यूट करने, तो हमें यहाँ पे आंटी अंकल मिले थे, तो वो काफ़ी परेशान दिख रहे थे। तो चलिए आज आइए दोस्तों, पूछते हैं और उनकी परेशानी दूर करते हैं। अम्मा जी, पिछली बार हम आए थे खाना देने के लिए, आपको याद है? कैसे हो आप? सॉरी आपको उठाए, परेशान करें, आपको तकलीफ दिए, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। कैसे हो आप? पिछली बार हम आए थे, याद है आपको? याद आया? मेरे को मालूम है। हाँ, तो आप ने कहा था बाबा जी को कुछ परेशानी है घर को, है ना? क्या हो गया उनको? उसको तो थाल नहीं है, सुवास सांस चढ़ती है, सांस की प्रॉब्लम है उनको। और क्या, डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर दिखाया तो वो पीता है ना सिगरेट, बीड़ी पीते हैं, एटले उसका सुवास है, उसको सांस का बीमारी है उनको। तो डॉक्टर क्या बोले फिर? उसको तो मैं दवा चालू है, और दवाई है अभी आपके पास? दवा अभी खाली हो गई। खाली हो गई दवाई? खाली। हम देखते हैं अगर आपकी मदद कर सकते हैं तो कुछ करेंगे। नमस्ते बाबा जी, कैसे हो? पिछली बार आए थे हम खाना देने के लिए, याद आया आपको? खाना है ना? हाँ याद है बाबा जी का। कुछ खाया आज आपने? नहीं कुछ खाया तो है नहीं, कुछ नहीं खाया, कोई खाना ही बारा नहीं है। आपने भी नहीं खाया, ऐसे ही सो गए थे आप? हाँ सो रही थी मैं। हाँ ऐसे ही खाली पेट नींद आ गई दादी? हाँ तो क्या करेगा। कुछ नहीं खाया आपने भी? कितना टाइम हो गया? थोड़ा नाश्ता करा था, सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया? अरे बाबा क्या करने का। चलो कोई चिंता मत करो, हम लेके आते हैं आपके लिए खाना, ठीक है? बाबा जी के लिए आपके लिए खाना लेके आते हैं। चलिए चलते हैं माता जी के लिए खाना लेने के लिए, आइए। हेलो दादी, खाना आ गया आपका, ये चपाती है, छाछ है। हेलो, ये आपके लिए एक प्लेट है, ये एक थाली बाबा जी के लिए, ठीक है? अभी खा लो, काफी रात हो गई है, ठीक है? चावल है, सब्जी है, दाल है इसमें, और मीठा एक है, ठीक है? और ये गरम गरम चपाती है। हेलो, बाबा जी को भी उठा लो। बाबा जी, बाबा जी खाना आ गया, उठ जाइए। हमारी बीबीएफ टीम मदद करती है हमेशा जरूरतमंद की, और जिनको दिक्कत होती है, जो जिन्हें परेशानी रहती है, उनकी हमेशा मदद करती है। तो आपकी, हम आपकी मदद, ये दवाई के लिए कुछ पैसे हैं आपके लिए, ठीक है? तो आप ये रखो, पैसा पकड़ो अच्छे से, ये दवाई के लिए पैसे हैं बाबा जी के लिए, तो आप इनका इलाज कराओ अच्छी जगह में, और वो तो फ्री में, इलाज तो फ्री में हो जाएगा ना? दवा लानी पड़ेगी, ठीक है? तो इलाज तो फ्री में हो जाएगा, दवाई आप ले आना, ठीक है? अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम बीच बीच में आते पूछते रहेंगे, और खाना हम आपको लाते रहेंगे, ला के देते रहेंगे रात को आते जाते, ठीक है? परेशान मत होना, और इलाज कराना, और भी जरूरत होगी तो हम और मदद करेंगे। बाबा जी जब इलाज करके आ जाएंगे, आपको और दवाई के लिए पैसे लगेंगे, तो आपकी और मदद करेंगे। ऑपरेशन कर इधर लाऊंगा, यहाँ पे लेके आएंगे। अच्छा ठीक है, ले जाओ करके। हाँ तो यहीं मैं सो रहूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है दादी, हमें लगेगा, हम आएंगे और आपसे पूछताछ करने बाबा जी की दवाई के लिए और पैसे देने के लिए, थोड़ी मदद और करने का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मदद करेंगे, आपकी मदद के लिए ही आए दादी। हमारी टीम जो है बीबीएफ, वो हमेशा जरूरतमंद की मदद करती है, जिन्हें परेशानी है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास राशन नहीं है, हर तकलीफ में मदद करती है। तो हम आज भी आए आपसे पूछने के लिए, पिछली बार भी आए थे आपसे खाना देने के लिए, तो आज भी आपके लिए खाना भी लेके आए, और दवाई के लिए भी आपको पैसे दे, तो हमेशा मदद करते रहेंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है? हमारी टीम है आपके साथ, ठीक है दादी? दोस्तों दादी को काफी चिंता थी कि बाबा जी का कैसे इलाज होगा, तो हमने उनकी बीबीएफ टीम ने हमारे उनकी कुछ मदद करी है पैसे की, कि आप दवाई ले लीजिएगा उन पैसों से, ठीक है दोस्तों? तो आप ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं कि दादी बहुत परेशान है, बाबा जी भी परेशान है, तो आप प्रे करिएगा, दुआ करिएगा कि बाबा जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं,
और दादी की परेशानी दूर हो जाए, है ना दादी? तो आप देखिएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो दादी बाबा की मदद हो सकेगी और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मिल सकेगी, तो इनका इलाज अच्छे से हो पाएगा और वो ठीक हो सकेंगे, फिर से वो काम पे जा सकेंगे, तो अपना घर चला सकते हैं दोस्तों। चलिए, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और किसी की हेल्प करते हुए।